जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ की रोजाना 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में अपडेट लगातार कराते रहते हैं। तो इसके चैनल में यानी कि हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर महामारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश में 446 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि रायपुर में अकेले 246 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन और मंत्रालय का क्लर्क भी इसमें पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि रायपुर में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन, उनकी पत्नी व मंत्रालय के एक क्लर्क समेत महामारी के टोटल 246 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। जबकि आपको बताते चले, इधर प्रदेश में 446 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से राजनांदगांव से 28, दुर्ग से 20, बस्तर से 18, कांकेर से 15, जबकि कोंडागांव व कोरबा से 14, बलरामपुर से 11, रायगढ़ से 10, बीजापुर व सरगुजा से 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं सूरजपुर से 8, बेमेतरा से 7, जांजगीर चांपा से 6, जसपुर से 3 व बालोद, बालोदा बाजार, बिलासपुर, दंतेवाड़ा से 2 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि महासमुंद व गरियाबंद से 1 नए मरीज शामिल है। तो वहीं देर रात विभिन्न जिलों से 20 नए मरीज मिले थे। तो वहीं सब मिलाकर अब तक महामारी के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक जो है 6821 संक्रमितों की टोटल संख्या वो बताई जा रही है। वहीं फिलहाल अब तक जो है 2216 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 4567 लोग जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब तक महामारी से 37 मौत दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आंकड़ों से आपको ज्यादा बोर नहीं करते हैं, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि आपका चैनल सब्सक्राइब करना बेहद ही निःशुल्क होता है, तो ये आप जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले अगली बड़ी खबर में कि सरकार ने जो है राशन दुकानों में निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का प्रस्ताव रखा है, जहां पर मंत्री भगत ने कहा है कि राशन कार्ड धारकों की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। जी हां, राज्य सरकार ने कहा है कि पीडीएस दुकानों में राशन के साथ निशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है, जबकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि महामारी के संक्रमण को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण अति आवश्यक माना गया है। बल्कि जो है अब मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 62 लाख से ज़्यादा राशन कार्डधारी है, तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में जो है गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू व अन्य जो तंबाकू युक्त पान की बिक्री है, तो उस पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जसपुर नगर से खबर आई है, जहाँ पर कलेक्टर महादेव कावरे ने महामारी के संक्रमण यानी कि जो इसके मद्देनजर रखते हुए संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी वायरस एक संक्रमण जो ये महामारी निकल कर सामने आई, इसको वैश्विक महामारी का दर्जा दिया गया है। तो इसके कारण जो है यानी कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोस्तों, आपको बता दी चले कि प्रायः यह देखने में आता है कि लोगों के द्वारा तंबाकू, गुटखा व तंबाकू में जो डाला हुआ पान का सेवन कर रहे थे, तो ये लोग जो है सार्वजनिक जगहों पर जगह जगह में थूक देते हैं, तो इसे देखते हुए संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में महामारी अधिनियम 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जसपुर में जिले में जो है गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू एवं तंबाकू डाला हुआ पान के क्रय विक्रय पर तत्काल है रोक लगा दिया गया है, जबकि आदेश का उल्लंघन करने पर 188 धारा के तहत जो है कार्यवाही की जाएगी। वही दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर लाउड स्पीकर से होगी स्कूलों में पढ़ाई, बस्तर से अभियान की शुरुआत हुई है। तो वहीं अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारियां चल रही है। जी, आपको बता दी चले कि प्रदेश में अब लाउड स्पीकरों से स्कूलों में पढ़ाई होगी, जबकि शिक्षा मंत्री ने लाउड स्पीकर मॉडल को अनुमति दे दी है, जबकि सरकार ने सभी पंचायत को एक हफ्ते में लाउड स्पीकर का व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। जबकि बस्तर जिले के 56 पंचायतों में पहले ही लाउड स्पीकर से पढ़ाई हो रही थी, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए यह मॉडल बनेगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई की ही एक वैकल्पिक व्यवस्था बताई जा रही है। दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको भटकना ना पड़े, इसके लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर 3 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। तो वहीं राखी भेजने के लिए डाक काउंटर भी यानी कि डाकघर जो है आपके लिए 3 बजे तक खुले रहनेंगे। जी, आपको बता दी चले कि लॉकडाउन के दौरान रायपुर और बिरगांव के सभी बैंक दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि प्रशासन के इस आदेश को अशासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय व निजी बैंकों को मानना अनिवार्य होगा। जबकि कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने आदेश जारी
करते हुए बताया कि सभी बैंक व पोस्टल बैंक आदि 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि इसके बाद अगर 5 बजे तक बैंक कर्मी अपना विभागीय काम निपटाएंगे तो वहीं राखी भेजने के लिए डाक काउंटर भी 3 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि रक्षाबंधन के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस को भी 3 बजे तक खुले रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि जिससे राखियाँ जो है समय पर अपने अपने भाइयों के पास पहुँचती रहे। वही दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर सामने आई है जहां पर लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने पर कई दुकानों को सील कर दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर आई है जहां पर राजधानी में महामारी संक्रमण के बढ़ने के कारण जो लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे आप सभी जो है वाकिफ हैं, तो इस दौरान जो है किराना, सब्जी, दूध समेत अन्य दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। ऐसे में वही सुबह 10 बजे के बाद जो है दुकान खुली मिलने पर जो है कार्यवाही की जा रही है। तो गुरुवार को पुलिस बल के साथ निगम की जो जोन है वो वार्ड टीम ने अलग जगहों पर कार्यवाही की है, जहां पर दुकानदारों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया और साथ ही साथ जो है कई ऐसे लोग हैं जिन पर मास्क नहीं पहनने पर जो है जुर्माना लगाया गया, जबकि शारीरिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर भी एक व्यक्ति से 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वही दोस्तों, सरकार की एक अगली बड़ी खबर में लिए चले जहां पर दायर की एक सरकार की जो अव्यवस्था है वो सामने आई है, जहां पर शहर के 1000 मरीज सही अस्पताल पैक हो चुके हैं। तो वही लालपुर सेंटर खोला गया, अब इंडोर स्टेडियम को भी आज से यानी कि बीते दिन से खोला जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें चले कि नए 250 मरीज के आज आने से सारे अस्पताल पैक हो चुके हैं। तो वही दो निजी अस्पतालों में भी भर्ती लगातार जारी है। दोस्तों आपको बता दें चले कि राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी 250 का आंकड़ा छूने के बाद से जो है मरीजों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इनका जो है इलाज का सिस्टम ही वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में है। तो वैसे में शुक्रवार की रात तक जो है अंबेडकर अस्पताल, एम्स और मानक जो सेंटर हैं वो फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में आनंद फानंद में शुक्रवार को लालपुर अस्पताल खोला गया, जहाँ शाम तक 13 मरीज भी भर्ती कर लिए गए। वहीं रावाभाटा AIC सेंटर में 34 नए मरीज एडमिट किए गए, जबकि शुक्रवार को नए मिले मरीजों की वजह से शनिवार को इंडोर स्टेडियम को भी जो है सेंटर बनाया गया है। तो वहीं इमरजेंसी में इसको भी खोलना पड़ सकता है। दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर लॉकडाउन का आखिरकार कुछ थोड़ा बहुत फायदा निकल कर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन ने सब्जियों के दाम को काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरा दी है। जी हां, लॉकडाउन के पहले जो है सब्जियां काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तो उनकी कीमतों में लॉकडाउन ने अब लगाम लगा दी है। हालांकि जो लॉकडाउन है वो खुलते ही फिलहाल दोबारा जो है सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगेंगे। बताया जा रहा है कि सब्जियों की सप्लाई तो वैसी है, लेकिन समय की कमी के कारण जो है ग्राहक आधे हो गए हैं। तो इसके चलते सब्जियों के थोक और चिल्लर कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसका अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है कि 3 दिन पहले जो टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब जो है शुक्रवार को दाम उसका जो है 40 रुपए पहुंच गया। जबकि सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अभी उठाव कमजोर होने के कारण सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते दूध, फल, सब्जियां आदि सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक ही खुली रह सकती है, तो इससे जो है मांग में काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। तो इससे रिलेटेड जो है इसके कारण जो है जो सब्जियों के रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम पाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर 3 दशक पहले यानी कि 30 साल पहले जो डीजल 3.5 रुपये पर लीटर था, वो अब 80 रुपये से अधिक का हो गया है इसकी कीमत। जी हां, एक बड़ी खबर आई है जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में हर साल हर दशक में उतार चढ़ाव हुआ है। तो वैसे 3 दशक पहले की बात करें तो जहां पर 3.5 रुपये लीटर हुआ करता था जो डीजल, पेट्रोल डीजल के रेट थे, तो वो अब वर्तमान स्थिति में 80.13 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं बिलासपुर में। दोस्तों आपको बता दें कि हर जगहों पर अलग अलग कुछ पॉइंट में अंतर होता है, तो ये आप मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता चले कि 30 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल का दाम 8.5 रुपये था, अब जो 2 पैसे कम यानी कि 80 रुपये लीटर हो गया है। जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में वर्ष 2000 के बाद से लगातार तेजी है वो वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में अब जो आम आदमी है उनकी जो स्थिति है इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक और भी बिगड़ने की संभावना बनती जा रही है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें चले कि बेकाबू होती बीमारी छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में हर लगभग 9.9 मिनट यानी कि 9.43 यानी कि अगर आपको बताएं तो 9.43 मिनट के अंदर एक नया मरीज जो है वो मिल रहा है। तो वहीं सुधर नहीं रहे हैं लोग। जी हाँ, आपको बता दें चले कि प्रदेश में महामारी अब पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, जहां पर हालात जो है वो अब नियंत्रण से बाहर होते सरकार जो है लॉकडाउन की वापसी का निर्णय लेना पड़ा है। जो हालात जो है
को देखते हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी कि आज जो है तीसरा दिन हो चुका है, तो बीते दिन आपको बता दें कि 23 जुलाई को सामने आए आंकड़ों ने उसके और बीते दिन है तो ये आंकड़ों ने है जो है विभाग की होश उड़ा दी है। तो अब आज की जो स्थिति है यानी कि बीते 24 घंटे की स्थिति है उसको देखते हुए सरकार के तो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होश उड़ चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है आज की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में हर 9.43 मिनट में एक महामारी का मरीज मिल रहा है, जबकि भारत सरकार द्वारा 24 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन प्रदेश में सिर्फ एक महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या थी, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने के वालों की गति भी संक्रमित मरीज की रफ्तार से कम हो रही है। तो इस महामारी की वजह से एक और नई विडंबना छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामने आई है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बताते चले, जहां पर एक सुविधा सामने आई है कि बिलासपुर जोन को नई लाइन का प्रस्ताव जो है वो मिल चुका है, जहां पर प्रयागराज जाने वाले को मिलेगी राहत। जी हां, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को रायपुर दुर्ग गोंदिया से जबलपुर जाने के लिए एक अतिरिक्त लाइन मिली है। इससे उन यात्रियों और मालवाहक ट्रेनों को सीधे तौर पर फायदा होगा जिन्हें फिलहाल घूमकर जाना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दीजिए कि नई लाइन के मिलने के बाद से ही इसमें ट्रेनों का परिचालन होना तय है, जबकि गोंदिया जबलपुर आमान परिवर्तन परियोजना के पूरे होने से उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व के लिए यहां से एक अतिरिक्त जो ब्रॉडगेज लाइन है वो मिलेगी। इससे बिलासपुर रायपुर व प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा हद तक फायदा मिलने वाला है। दोस्तों अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि जहां पर छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात निकलकर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर देश में प्रथम है। जी हां, देश में प्रथम है, तो किन क्षेत्र में प्रथम है वो आपको बता चले कि नीति आयोग ने जारी की है आकांक्षी जिलों की रैंकिंग, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दी है बधाई। जी हां, एक बड़ी खबर आई है जहां पर नीति आयोग ने देश के टॉप आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है, जिसमें पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां पर आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पूरे देश में, जी हां पूरे भारत देश में प्रथम आया है। बता दें कि इससे पहले जनवरी में रैंकिंग में आकांक्षी जिलों के प्रदेश में नारायणपुर जो है पहले स्थान पर था, तो इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर राजनांदगांव था और पांचवें नंबर पर सुकमा जिला था, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राजस्थान का जैसलमेर जबकि चौथे स्थान पर मिजोरम का मौमित जिला शामिल है। तो वहीं अगर इस बात की बात करें तो बीजापुर जिला जो है नीति आयोग की विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान को हासिल कर लिया है। तो दोस्तों आपको आज की खबरों का सिलसिला कैसा लगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं यानी कि अगर आप हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप आपकी अपने दैनिक छत्तीसगढ़ की फैमिली से जुड़ जाइए और प्रतिदिन अपने मोबाइल पर दैनिक समाचार को पाइए, छत्तीसगढ़ की जो टॉप 20 समाचार होते हैं वो। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।